तो जी ऐसा है ना कि अमेरिका में बड़े मुश्किल दिन निकाले मैंने, हैं? बाहर जो हमारा रेस्टोरेंट था वो फ्रेंच एशियन रेस्टोरेंट था, ठीक है, हिंदुस्तानी खाना वैसे ही कम मिलता था। छुट्टी वाले दिन इतने थके होते थे कि इंडियन खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता था। तो इंडियन खाना बनाने के लिए मैंने एक मैजिक मसाला बनाया था, जिसको मैं बना के और फ्रिज में डाल देता था। यानी कि एक मसाला और उससे जो मर्जी इंडियन डिश बनाइए आप, नॉर्थ इंडियन डिश, ठीक है जी। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज हम बनाने जा रहे हैं वो मैजिक मसाला जो कि सबकी खाने की दिक्कत कर दे दूर, चाहे आप हॉस्टल में हैं, हिंदुस्तान के बाहर हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर घर की मम्मा हैं, हैं जिनको इतने सारे लोगों को खुश रखना पड़ता है। रोलिंग एंड एक्शन। बारीक बारीक चॉप करना है जी प्याज, ठीक है। टमाटर को, फ्रेश टमाटर की या तो प्यूरी बना लीजिए या फिर टमाटर को चॉप कर लीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि टमाटर आप प्यूरी बनाएंगे ना मिक्सी में समय बचा के, तो नो प्रॉब्लम, प्याज की प्यूरी मत बनाइएगा, प्याज चॉप ही होना चाहिए। जितना बारीक आप कर सकें उतना बारीक कर लीजिए, या अगर वो इलेक्ट्रिक चॉपर है तो उससे कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करेंगे तो अच्छा है, तीखी नाइफ से करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो प्याज पानी छोड़ जाता है। अब जी ऑलमोस्ट कट गया है प्याज, हैं, अभी डालो जी तेल। अगर आप वो वाला मसाला बना रहे हो जो आपको 2 महीने फ्रीज़र में रखना है या 15 दिन फ्रिज में रखना है और ख़राब नहीं होगा, उसकी गारंटी मेरी है, तो तेल ठोक के डाल लीजिएगा। क्यों? क्योंकि तेल में ही प्रिजर्व होगा ना। और अगर आपको हफ्ते भर वाली गारंटी चाहिए तो तेल कम डाल लीजिएगा, ठीक है जी, इजी। जीरा ले रहा हूँ जी, थोड़ा जीरा, ठीक है, साथ में मसालेदानी भी ले आ दो। देगी मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसका, अगर नहीं है तो वैसा मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो आएगा, मज़े की तो गारंटी है, बट वैसा मज़ा नहीं आएगा। जैसे ही तेल गर्म हुआ वैसे लेके भगवान का नाम, 1 2 3, जैसे ही जीरा चटका ये गया प्याज फुल गैस पे, हाँ, क्योंकि जैसे ही आप प्याज डालेंगे तो एकदम से तेल ठंडा हो जाएगा। चलो जी, प्याज का प्रोग्राम हो चुका है शुरू। टमाटर जो है वो मिक्सी में प्यूरे करके रख लें या चॉप करके रख लें, मैंने प्यूरे करके रखे हैं, ठीक है। तो ये ना 4 से 5 मीडियम प्याज है, ठीक है, इसमें 3 से 4 मीडियम टमाटर जाएगा जी, और उसी रेशियो में बस बाकी चीज़ें आप देखते रहिएगा। एकदम से नमक मैं इसके अंदर नहीं डालूँगा, क्यों, हालांकि नमक डालने का फ़ायदा ये है कि प्याज पानी छोड़ देता है, जल्दी भुन जाता है, लेकिन जब प्याज इतनी ज़्यादा मात्रा में हो और गैस छोटी हो, प्याज ज़्यादा हो, तो जैसे ही आप नमक डालेंगे प्याज इतना पानी छोड़ देगा कि वो भुनने की बजाय बन जाएगा प्याज का हलवा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। इसलिए नमक भी समझदारी से, पहले एक बार तापमान आ जाए, प्याज अपना पानी छोड़ना शुरू कर दे और तापमान में प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए, उसके बाद नमक डालें, ठीक है। अब जब प्याज 50% भुन जाए ना, तो इसे मसाले डालने जी। देगी मिर्च, देगी मिर्च इसलिए ठोक के डाल रहा हूँ मैं, अगर देगी मिर्च नहीं है तो मत डालिएगा इतनी। हल्दी थोड़ी सी, और मेरा प्रिय मित्र धनिया, लेकिन पाउडर फॉर्म में ठोक के, मतलब 2 टीस्पून देगी मिर्च, 4 से 5 मीडियम प्याज में 2 टीस्पून देगी मिर्च, 3 टीस्पून भर के धनिया और लगभग 1 टीस्पून हल्दी, और इसको भूनते रहना है जी, भुनाई चलती रहनी चाहिए। अब डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये क्या जी, अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट पहले इसलिए नहीं डाला क्योंकि पहले अगर डालते तो वो जल जाता, जलाना नहीं है उसको, पकाना है, इसलिए प्याज के बाद डाला उसको। ये देखिए भुनाई चालू है ना, बस सबसे पहले
धनिए के भुनने की खुशबू आएगी। जब धनिए के भुनने की खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसका मतलब प्रोग्राम तैयार है, तब जाके टोमेटो प्यूरी डालनी है, उससे पहले नहीं डालनी, ठीक है। और ये गया टमाटर। देखो जी, अभी तक मैंने बिल्कुल नमक नहीं डाला है ना, कमाल की बात। अब डालेंगे नमक। और अगर आप चाहें तो चॉप टमाटर और प्यूरे टमाटर को मिला के भी डाल सकते हैं। थोड़े चॉप टमाटर में लगे हाथ डाल ही देता हूं ना। ये थोड़ा चंकीपन आ जाएगा। चंकीपन इज अ न्यू वर्ड। चंकीपन आ जाएगा थोड़ा। देखिए, अगर लंबा चलाना है ना तो तेल ठोक के, हाँ, तेल जो है वो दबा के डालिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मसाला लंबा चले तो इसका जो प्रिजर्वेटिव है वो तेल ही है। और एक और ट्रिक है छोटी सी, मैं बाद में बताऊंगा, वो करूंगा भी मैं, लेकिन उससे पहले टमाटर भून लीजिए। टमाटर को भूनना बहुत ज़रूरी है। टमाटर अगर नहीं भूनेगा तो इसकी शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। मसाले जितने भी भूनने हैं ना, वो जो भी डाला है उसमें हल्दी धनिया, वो सारे मसाले पहले भून लीजिए। एक बार टमाटर चला गया तो कुछ नहीं भूनेगा। अदरक लहसुन धनिया वगैरह जो कुछ भी है, टमाटर जाने से पहले भून जाना चाहिए। टमाटर गया, सेवा समाप्त। क्या खुशबू है साहब। हाँ हाँ हाँ, द स्मेल ऑफ पंजाबी फूड आ रही है इसमें। ये फॉर्मूला जो है शायद मैंने मम्मा को भी सिखा दिया था, मैं भूल गया था, मुझे अभी याद दिलाया गया है, पल्लवी ने अभी याद दिलाया है। किरणवीर, ये आपने मम्मी को भी सिखाया है फॉर्मूला, तो अगर हमारी माता जी ने सर्टिफाई कर दिया फिर तो अच्छा ही होगा, फिर तो बनाना चाहिए आपको। अब ये जो है, ये चीट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीट। इसके अंदर डालना है आधा टीस्पून सिरका। सिरका क्यों? सिरका इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। सिरका जो है, जब आप इसको पकाएंगे अच्छे से मिक्स करेंगे तो पूरे मसाले को कोट कर लेगा, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो 2 महीने की गारंटी चाहिए अगर फ्रीज़र में तो सिरका, 1 महीने तक फ्रिज में रखना है तो सिरका, ठीक है जी। बताना नहीं किसी को, लोग बोलेंगे आपका मसाला मेरे मसाले से ज़्यादा क्यों चल रहा है। टेस्ट नहीं आना चाहिए सिरके का, मतलब सिरके को अच्छे से डाल के पका लीजिए, है ना, ताकि सारी उसकी जो वो जो एकदम से उंफ आता है ना सिरके की हींक जो है वो निकल जाए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कच्चा सिरका नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वो तो और नुकसान करेगा, पका हुआ सिरका। चलो जी, मसाला रेडी है, साथ में इसका मैं इस्तेमाल भी दिखा देता हूँ। तो कोई भी दाल बनाए, बेसिक दाल बॉयल कर लें, उसके अंदर 1 चम्मच ये मैजिक डाल दें, मैजिक हो जाएगा। कोई भी सब्जी बनाएं, कोई भी तरी बनाएं, या सिंपली ये मसाला लें, मसाले के अंदर पानी डालें, पानी डाल के उसके अंदर आलू डाल दें तो आलू की सब्जी, ये मसाला लें दाल के अंदर डाल दें तो दाल तड़का, ये मसाला लें और इसको मिक्सी में घुमा के इसके अंदर पानी डाल दें फिर उसके अंदर चिकन पका लें तो चिकन करी, सिंपल। तो मल्टीपर्पज़ है जी ये। अब जैसे यहाँ पर दाल हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, उबली हुई दाल है, सिंपल। अब इस उबली हुई दाल में मात्र 1 चम्मच मसाला, ये देखिए पूरा रंगो रोगन चेंज, ये लो जी, टेस्ट का टेस्ट, तड़के का तड़का और फ्लेवर का फ्लेवर, है ना, एकदम लल्लन टॉप आइडिया है भाई। हमारा बुरा टाइम निकलवाया है इस प्याज टमाटर के मसाले ने, आपका भी निकलवाएगा। इसको यहाँ तो जार में डाल के ठंडा कर लीजिए, या ठंडा करके जार में डाल दीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा। जब इस्तेमाल करना हो तो एक साफ सा चम्मच लीजिए, 1 चम्मच ये जादू की पोटली निकालिए और फिर देखिए मज़े। दाल को फिनिश करने के लिए पहले उसके अंदर धनिया डाल देते हैं जी, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। असली मैजिक जो है ना वो है धनिया, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
तो वैसे तो एक मसाला है, लेकिन इमरजेंसी के लिए हर प्रॉब्लम का सलूशन है। दाल बनाओ, आलू की सब्ज़ी बनाओ, कोई भी सब्ज़ी बनाओ, चिकन करी बनाओ, मटन करी बनाओ, कोई भी करी बनाओ, पुलाव बनाओ, जिसमें मर्जी डाल दो, फेल नहीं होगा, गारंटी मेरी। डू ट्राई इट, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ख़ास तौर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, रोज़ रोज़ आपको वक्त नहीं मिलता, या आप साउथ इंडियन हैं और घर पर कोई नॉर्थ इंडियन खाने की डिमांड करता है, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उस केस में तो मतलब रामबाण। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।